अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ करूँ अल्लाह ताला आप सभी दोस्तों को अपनी हिफाजत में रखे। तो दोस्तों चलें, आज मैंने ख्याल किया कि आपको ब्लू लेसविंग वगैरह की मैंने और म्यूटेशन बर्ड की मैंने प्रोग्रेस दी, उसके साथ साथ आपको अपने पास जो रिंगनेक के मौजूदा स्टॉक में जो प्रीवियस ईयर के बेबीज़ हैं वो आपको दिखाता चलूँ, ठीक है, जिनकी एज आलमोस्ट 2 ईयर्स के नज़दीक होने को है, ठीक है। इसमें माशाल्लाह जो मेल पट्टे हैं वो तकरीबन 80% जो मेल हैं इसमें तकरीबन वो टॉकिंग मूड पर हैं, ठीक है, सेल्फ को टॉकिंग करते हैं बहुत अच्छी, और क्या नाम है, उसमें कई मेल्स ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह फीमेल्स को प्रॉपर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा भी है और बुरा भी है क्योंकि ये अभी आपस में चिड़ने लगे एक दूसरे से, ठीक है। तो बहरहाल जैसी कहानी है वो चलती रहेगी इनकी तो, और इसमें जो माशाल्लाह कुछ मेल्स ऐसे हैं जो कि प्रॉपर यानी कि सेल्फ को टॉकिंग में क्या हुआ, क्या बात है, प्यारा बेटा कौन है, क्यों है, प्यार करो, आजा बेटा आजा तक वर्ड्स यानी कि स्पीक पे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ इसमें शर्मीले भी हैं यानी कि वैसे स्पीक करेंगे बहुत अच्छा, लेकिन जैसी कैमरा या उनकी टॉर्च लाइट जैसी आएगी थी तो ये सब खामोश हो जाने। तो चले मैं पहले अपने चूज़ों को ये दाना डाल दूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने अपने पास से जो बर्ड्स का डेली दाना जो चेंज होता है उसमें जो दाना बचता है, ठीक है, बिल्कुल काबिल इस्तेमाल होता है, तो वो दाना मैं अपने स्टॉक पैराकीट्स को देता हूँ, ठीक है। सिर्फ वैसे मामूली सी हद में उसमें मोटी घंगनी थोड़ी सी और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें चूहियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं और कुछ इनके अपने नखरों की वजह से ज़्यादा है क्योंकि ये दाना बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनकी प्रॉपर घानी आ रही है, ठीक है, प्रॉपर घानी से मुराद ये एक एक दो दो फूल निकल आए इनकी हर कली के अंदर। लो तुम घुस जाओ सबसे पहले, ठीक है, माशाल्लाह से बिटू हट जाओ वरना मारूंगा मैं तुझे, चल। अच्छा, ये मेरे पास कुछ इसमें मेल ऐसे भी थे जो कि पहले कभी हैंड टेम थे, नियर जब उनकी एज तकरीबन 6 मंथ के आसपास थी, फिर मैंने इन्हें बर्ड्स की कॉलोनी में छोड़ दिया, ठीक है, रहने की, तो ये अब थोड़े से कैप्टिव वाइल्ड मेल हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने सारे के सारे ब्रीड के लिए तैयार किए थे लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि प्रीवियस वाली कॉलोनी भी मेरे कुछ खास काम नहीं आई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब वक्त मैसर नहीं होता। टोटल तकरीबन 20 के नियर यानी कि 30 है, जिनमें से तकरीबन 11 या 12 के नज़दीक इसमें मेल है, बाकी इसमें फीमेल है, ठीक है। इसमें 2 या 4 पीस क्या नाम है डिफॉल्टर हैं, ठीक है, फैदर इसी के पास, लेकिन माशाल्लाह 3 की रिकवरी हो रही है, एक क्या नाम है सीरियस मोड पे थी, ठीक है, क्योंकि जो इशू और क्राइसिस में आए वो बच्चे थे जिनको मैंने हांडी से उतार कर नीचे छोड़ दिया था, जिनकी एज तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मंथ यानी कि हाफ कवर भी नहीं थे, कुछ पिन फैदर वाले थे, ठीक है, फुल कवर भी नहीं थे उन बच्चों को, क्योंकि वो खुद ही एक दूसरे को देखा देखी में दाना खाना उन्होंने सीखा और माशाल्लाह वो परवान चढ़ गए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टॉक है और इसमें कुछ मेल्स ऐसे हैं क्योंकि मदर फीड के ऊपर बड़े हुए हैं वो माशाल्लाह साइज़ में बहुत बहुत बेहतरीन है, ठीक है। चले मैं कोशिश करता हूँ कि अगर इनमें से कोई एक आध मेल अगर मूड के ऊपर अभी टॉकिंग करे तो मैं दिखाऊँ। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात है, ठीक है।
तुम घुस जाओ, सबको छोड़ो।